आदाब, मैं हूं अनवर खान। आप देख रहे हैं एन भारत समाचार। अलीगढ़ पुलिस और आबकारी विभाग की दोनों टीमों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 70 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब की 70 पेटियों से भरा ट्रक पकड़ा है। ड्राइवर और कंधे का पंजाब प्रांत की अवैध शराब की खेप ट्रक में रुई और भूसे के नीचे दबाकर चंडीगढ़ से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ होते हुए सिलीगुड़ी तस्करी की जा रही थी, लेकिन अलीगढ़ पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीमों ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान अकराबाद थाना इलाके से गुजर रहे NH91 ओवर ब्रिज बनेठी में पकड़ लिया गया। पुलिस और आबकारी विभाग की दोनों ही टीमें अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई हैं। क्या नाम है तुम्हारा? छोटे राजा। कहाँ के रहने वाले? जालौन। ये क्या ट्रक में क्या लेके आ रहे थे, कहाँ से लेके आ रहे? इसमें कॉटन का हमको क्या के बोला है कि कॉटन है इसमें। हाँ। कॉटन का ही हमारे पास अवेलेबिलिटी था। हाँ। और इसको लेके चला मैं, तो इधर आके भैया ने आगे से गाड़ी से रोका, तो मैंने अपना गाड़ी खड़ा कर दिया, रास्ता तिरपल खोला तो उसमें दारू निकली। कहाँ से आ रहे थे? मैं सर अमृतसर से आया हूँ और सिलीगुड़ी जाना था। अमृतसर से जो लोड किया, किस जगह से लोड सर किया? हमको लोड गाड़ी लोड ही मिली थी नदी के पास। नदी के पास जी। और छोड़ने के लिए कहाँ के लिए आपकी बात हुई थी? ये सर हमको नहीं बताया, हमको सिर्फ इतना बताया तुम सिलीगुड़ी गाड़ी लेके। अच्छा, जो आपका भाड़ा था वो कितने रुपए का भाड़ा था? जी सर हमको उसका नहीं मालूम। गाड़ी किसकी है? गाड़ी भी नहीं मालूम। गाड़ी भी नहीं मालूम। तो आप अनजान व्यक्ति की को लेके चले गए, तो आप पहले भी इस तरीके से काम करते हैं? पहला चक्कर था। पहला चक्कर। क्या लाला चला आपको? 20,000 रुपए का बोला था, चक्कर का 20,000 रुपए देंगे, 3-4 दिन का चक्कर है, चले जाओ। कहाँ पे पकड़ी गई है ये सर? यहाँ पे आगे सराहनीय कार्य करते हुए एक रुई और भूसे से भरे ट्रक में शराब की 835 पेटियां बरामद की है, जिसमें 7,515 लीटर शराब है, जो चंडीगढ़ मार्का की है, चंडीगढ़ में बिक्री हेतु अनुमन्य है, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 70 लाख रुपए है। पुलिस की उपरोक्त कार्यवाही में दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, जो जनपद जालौन उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता की जानकारी की जा रही है, जानकारी कर शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।